इस तरह सारी अयोध्या में आनंदोत्सव होने लगा। आज उत्सव का 14वां दिन है। महाराज दशरथ के सन्मुख अयोध्या के राज कलाकारों ने मदन दाह नृत्य आरंभ किया। महादेव की समाधि भंग करने के लिए कामदेव ने ऋतुराज वसंत का आह्वान किया। कामदेव की पत्नी प्रति भी अपने स्वामी का साथ देने आ गई। सारे प्रयत्न निष्फल हुए तो कामदेव ने अपना अंतिम अस्त्र मदन बाण चलाया। महादेव की समाधि भंग हुई। Ah!
तीसरा नेत्र खुला, उससे निकली हुई ज्वाला में कामदेव भस्म हो गया। दुखियारी रति शिव की शरण गई, अंत में भोलेनाथ प्रसन्न हुए और रति को वरदान दिया, त्रेता युग में कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध के रूप में तुझे तेरा पति मिलेगा।